रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वहां फंसे कई भारतीय छात्र वीडियो बनाकर वहां की स्थिति से अवगत करा रहे हैं और सरकार से जल्द उन्हें बचाने की अपील भी कर रहे हैं। इस दौरान ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। इसमें ये लड़की यूक्रेन में फंसे होने की बात कह रही है। बिहार से भाजपा विधायक अनिल कुमार ने दावा किया कि यूक्रेन में फंसी मेडिकल छात्रा बनकर वीडियो बनाने वाली ये लड़की समाजवादी पार्टी नेता महेंद्र यादव की बेटी है और पुलिस ने जब वैशाली यादव को गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि अपने पिता के कहने पर उसने ये वीडियो बनाया था। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज्यादा परेशान है। काफी इंडियन स्टूडेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में। सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ्लाइट भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं, तो अब हम कैसे आए? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में है। आगे की सिचुएशन कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ऐसा दावा बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल, भाजपा महिला मोर्चा की इंचार्ज नीतू सिंह और बीजेपी दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट सुनील यादव ने किया है। आइए जानते हैं इस दावे की सच्चाई क्या है। जब इस मामले की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने कीवर्ड सर्च किया तो हमें हरदोई के एसपी राजेश द्विवेदी का बयान मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। जिस लड़की की बात हो रही है वो इस समय रोहानिया में है और उसके द्वारा हेल्प के लिए वीडियो जारी किया गया था। पुलिस द्वारा जनपद में इस संबंध में कोई एक्शन लिए जाने वाली बातें सही नहीं है। इसके बाद हमने सपा नेता महेंद्र यादव से बात की। उन्होंने कहा कि ये सब भाजपा की साजिश है और हमारी बच्ची यूक्रेन में फंसी थी तब उसने ये वीडियो बनाया था। अब वो वहां से निकलकर रोमानिया में है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दी जा रही है। महेंद्र यादव ने हमसे वैशाली का नंबर भी शेयर किया। वैशाली ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि विरोधी पार्टियों के नेता मेरे पिता और सपा को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही वैशाली ने हमें इस दावे का खंडन करते हुए ये वीडियो भेजा। मैं वैशाली यादव, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प के लिए कहा था कि मैं यहाँ पे यूक्रेन में फंसी हुई हूँ तो यहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार कुछ करे। लेकिन उस वीडियो को इंडिया में गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ये लड़की इंडिया में ही है लेकिन ऐसे वीडियोज़ बना रही है जो एकदम गलत है। हर चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बनाना ज़रूरी नहीं होता है। मैं यूक्रेन में थी लेकिन अब मैं सेफ हूँ, रोमानिया आ चुकी हूँ और बहुत जल्दी मैं इंडिया वापस आ जाऊँगी। तो जब तक आपको सही बात पता नहीं हो उस चीज़ को फैलाना सही नहीं होता है। हर चीज़ में राजनीति जोड़ना ज़रूरी नहीं होती है। इस जगह कभी आप भी हो सकते हैं, आज मैं हूँ, तो आप उनके बारे में सोचिए ना जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, वो कितनी प्रॉब्लम में है। उनकी मदद करने की बजाय आप उस चीज़ को गलत तरीक़ों से दिखा रहे हैं वहाँ पर। मैंने ये वीडियो यही बताने के लिए बनाया है कि जो भी फैल रहा है वो एकदम गलत है, तो आप उन चीज़ों को पास ना करें और उन्हें सपोर्ट ना करें बिल्कुल भी। वैशाली ने बताया कि वायरल वीडियो 24 फरवरी का है और इस दावे की पुष्टि करते हुए उन्होंने हमसे अपनी फोन की गैलरी का ये स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने की जानकारी है। साथ ही 24 फरवरी के दैनिक जागरण के एक आर्टिकल में भी ये वीडियो शामिल है, यानी ये वीडियो यूक्रेन से ही रिकॉर्ड किया गया था। वैशाली ने हमसे अपना लाइव लोकेशन शेयर किया। इससे पता चलता है कि 2 मार्च शाम 7 बजे ऑल्ट न्यूज से बात करते वक्त वो रोमानिया में ही थी। कुल मिलाकर वैशाली यादव ने यूक्रेन में फंसे होने का नाटक नहीं किया था, वो सचमुच में यूक्रेन में फंसी थी और पुलिस ने वैशाली को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि ये सच है कि वो सपा नेता की बेटी है। वो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही थी और हाल के इस विवाद में वो वहीं फंसी है। पढ़ाई के साथ वैशाली तेरापुरसौली गांव की ग्राम प्रधान भी है।